ये बात है 1860 की, जब भारत से ऑस्ट्रेलिया में 24 ऊंट भेजे गए, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में ऊंट होते ही नहीं थे। लेकिन वहां भेजे गए इन ऊंटों की दर्दनाक कहानी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दरअसल 1860 के टाइम ऑस्ट्रेलिया के गर्म इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए भारत से ऊंटों को ले जाया गया था, जिसके बाद 1870 से 1900 के बीच और 15,000 ऊंटों को भारत से ऑस्ट्रेलिया में इम्पोर्ट किया गया और वहां उन ऊंटों को ट्रांसपोर्टेशन में खूब अच्छे से इस्तेमाल किया गया। 2009 तक तो सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ इन ऊंटों की दर्दनाक कहानी का खौफनाक हकीकत। इस टाइम तक आते आते ऊंटों के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं बचा था, क्योंकि अब सारा काम गाड़ियों से हो जाता था और 2009 तक इन ऊंटों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये ऊंट ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में पानी पी जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को पीने के लिए पानी की कमी पड़ने लगी और ये ऊंट पानी की तलाश में शहरों की तरफ भी बढ़ने लगे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2009 से 2013 के बीच इनकी आबादी कम करने के लिए 160,000 ऊंटों को मरवा दिया, जिनकी गलती बस इतनी सी थी कि वो अपना प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेते थे, और 2020 में सेम रीजन बताकर और 10,000 ऊंटों को मार दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है?